Good morning, students. Welcome to all of you in the Mangnale Biology classes. Myself, Gunnan Mangnale, and in last class, we discussed about the structure of flower, structure of fruit also, types of fruit also. Today, the new concept of morphology of plant we are discussing, that is seed. Today, we are discussing about seed. One by one, we are finishing the concept of morphology of plants. Starting from root, stem, leaf, inflorescence, flower, fruit, we have already finished in the previous lectures. And today, we are going to discuss about structure and functions of seed. So, already I explained you that how seed is developed. Seed is developed from the ovule. Seed is developed from the ovule. And where ovule is present? Ovule is present inside the ovary. ओव्यूल कहाँ था? ओवरी के अंदर था. और जब ये फर्टिलाइजेशन हो जाता है, एंजियोस्पर्म में जब डबल फर्टिलाइजेशन हो जाता है, आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन दैट ओव्यूल इज डेवलप्स इनटू सीड ना. ओके, सो व्हाट इज सीड? सीड इज डिफाइंड एज व्हाट? राइपोनोडल एंड मैच्योर ओव्यूल फॉर्मड आफ्टर फर्टिलाइजेशन. ओके, एंड सीड इज डिवाइडेड इनटू सीड के अलग अलग पार्ट बनते हैं. ओके, बेसिक सीड के कौन कौन से पार्ट बनते हैं? एक फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज सीड कोट. सीड का पहला पार्ट कौन सा रहता है? सीड कोट. और दूसरा पार्ट कौन सा रहता है? एम्ब्रियो. दीज आर द बेसिक टू पार्ट्स ऑफ द एनी सीड. ओके, एंड इट इज राइपनड ओव्यूल फॉर्मड आफ्टर फर्टिलाइजेशन. एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस कितने हैं उसके अंदर? सीड के अंदर एम्ब्रियोनल एक्सिस कितने हैं? ओके, एम्ब्रियोनल एक्सिस, हाउ मेनी एम्ब्रियोनल एक्सिस आर देयर इन द सीड? अकॉर्डिंग टू द एम्ब्रियोनल एक्सिस, दैट इज इफ दे हैव वन एम्ब्रियोनल एक्सिस, ओके, दैट सीड इज कॉल्ड एज ओके मोनोकॉटिलेडॉन सीड. And if they have what? Embryonal axis. Yeah, two embryonal axis. If they have two embryonal axis, that is called as dicotyledon seed. समझ में आ रहा ना? Seed के अंदर basically आपको मैंने बोला था seed consists of two parts, seed coat. जो आउटरमोस्ट कोट है प्रोटेक्शन करता है सीड का, और दूसरा जो पार्ट है एम्ब्रियो. और एम्ब्रियोनल एक्सिस कितने हैं? वन होगा तो उसको मोनोकॉट कहेंगे, और टू रहे तो उसको टू कॉटिलेडॉन्स कहेंगे. ओके, ग्रामेंट भी हैज टू एम्ब्रियोनल एक्सिस, टू कॉटिलेडॉन्स आर देयर. ओके, सो नंबर ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस कितने हैं? नेक्स्ट, अभी हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉटिलेडॉन सीड. फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉटिलेडॉन सीड, dicotyledon seed, it is also called as dicotyledon seed, is also called as what? Non-endospermic seed, because in that seed there is no formation of endosperm at the time of maturity. इस seed में क्या होता है? Maturity के time में endosperm formation नहीं होता, इसलिए उसको कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड. एंड दैट सीड हैज टू कवर्स. सीड के ऊपर दो कवर है. ओके, आउटर कवर इज कॉल्ड एज टेस्टा, एंड इनर कवर इज कॉल्ड एज टेगमन. सीड कोट दो है, वो दोनों को क्या कहते हैं? वो सीड कोट. और अंदर क्या है? इनसाइड द सीड कोट द प्रेजेंस ऑफ टू एम्ब्रियोनल एक्सिस. यहाँ पे आपको मैंने बोला था एम्ब्रियोनल एक्सिस दो है, और ये दोनों एम्ब्रियोनल एक्सिस के अंदर क्या रहता है? दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज लिग्यूल, एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज रेडिकल. सो दिस इज द डायग्राम ऑफ, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? डाइकॉटिलेडॉन सीड. ये किसका स्ट्रक्चर है? डाइकॉटिलेडॉन सीड का. इसको डाइकॉटिलेडॉन क्यों कहते हैं? बिकॉज that seed having two cotyledons in the
मैच्योर एम्ब्रियो, मैच्योर एम्ब्रियो के अंदर कितने क्वाड्रेंट्स है? दो है, इसलिए इसको कहते हैं डाइक्वाड्रेंटल सील। ओके, और दूसरा जो सील मैं आपको दिखा रहा हूँ दैट इज मोनो क्वाड्रेंटल सील। सेकंड टाइप ऑफ सील इज कॉल्ड एज मोनो क्वाड्रेंटल सील, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंडोस्पर्मिक सील। एंडोस्पर्मिक सील बिकॉज इसको क्या कहते हैं? एंडोस्पर्मिक सील कहते हैं। व्हाई? इन दैट सील देयर इज हैविंग एंडोस्पर्म एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। ना इस सील में क्या होता है? ओके, दिस इज व्हाट सिरपोट, दिस इज व्हाट सिरपोट, आउटर सिरपोट टेस्टा, इनर सिरपोट स्टिग्मन, ऐसे दो सिरपोट है। ओके, और उसके अंदर क्या है? एंडोस्पर्म प्रेजेंट है। दिस इज एलुरोन लेयर, दिस इज एलुरोन लेयर एंड हैविंग एंडोस्पर्म इन इट। रिजर्व फूड मटेरियल इन दैट सीड इज, इस सीड के अंदर जो रिजर्व फूड मटेरियल रहता है वो कहाँ रहता है? एंडोस्पर्म के अंदर रहता है। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज द कॉटिलेडॉन एंड दे कंसिस्ट ऑफ, अगेन एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, वन इज प्लिम्यूल एंड अदर इज रेडिकल। और प्लिम्यूल एंड रेडिकल के ऊपर जो कवर रहता है उसको हम पोलियोकाइल और पोलियोकाइल से बोलते हैं। दिस इज रेडिकल, रेडिकल का कवर जो उसको बोलते हैं पोलियोराइजा। जब मैंने आपको रूट पढ़ाया था उस टाइम बताया था मैंने। और ये क्या है? दिस इज प्रीम्यूल, और प्रीम्यूल का जो कवर है उसको क्या बोलते हैं? पोलियोटाइल। एंड दिस इज क्वाटलेडॉन, क्वाटलेडॉन को और एम्ब्रियो को सेपरेट करने वाला जो लेयर है दैट लेयर इज कॉल्ड एज एलुरोन लेयर। प्रोटीन से बना हुआ लेयर रहता है जो एंडोस्पर्म को और एम्ब्रियो को सेपरेट कर देता है, अलग कर देता है, एंड दैट लेयर इज कॉल्ड एज एलुरोन लेयर। ओके, सो दिस इज अबाउट द टाइप ऑफ सील। तो पहले हम देखते हैं डाइकॉटिलेडॉन सील क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी व्हाट इज द डाइकॉटिलेडॉन सील। डाइकॉटिलेडॉन सील हैविंग नेम इटसेल्फ, डाई मींस टू एंड कॉटिलेडॉन्स मींस कॉटिलेडॉन्स, हैविंग टू कॉटिलेडॉन्स इन इट। तो इस सील के अंदर फिर कौन कौन से पार्ट है? फर्स्ट पार्ट ऑफ दैट सील इज, सील के अंदर पहला जो पार्ट है वो है सीडकोट। डाइकॉटिलेडॉन सील में आपको पढ़ा रहा हूँ उसमें पहला पार्ट कौन सा है? सीडकोट। दूसरा पार्ट कौन सा है? सेकंड पार्ट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो। डाइकॉटिलेडॉन सील में सेकंड पार्ट है एम्ब्रियो, और तीसरा जो पार्ट है वो है एंडोस्पर्म। मगर आपको पता होगा मैंने अभी जस्ट बोला आपको कि इसमें एंडोस्पर्म नहीं है ना। डाइकॉटिलेडॉन सील में एंडोस्पर्म नहीं है, नहीं है मतलब मैच्योर स्टेट में नहीं है। इनिशियली तो एंडोस्पर्म प्रोड्यूस होता ही है, क्योंकि जब डबल फर्टिलाइजेशन होगा तो डबल फर्टिलाइजेशन में आपको पता है सेकंड फर्टिलाइजेशन में ट्रिपल फ्यूजन में एंडोस्पर्म बनता ही है, एंडोस्पर्म प्रोड्यूस होता ही है। मगर ये जो एंडोस्पर्म है मैच्योर सीड में ओके डाइजेस्ट करता है कौन? डेवलपिंग एम्ब्रियो। इसलिए इस डाइकॉटिलेडॉन सीड के मैंने आपको तीन पार्ट बता दिए। पहला पार्ट कौन सा है? सीडकोट। सीडकोट क्या है? आउटर इज प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ सीडकोट दैट इज डेवलप फ्रॉम द इंटरमेंट्स। आपको पता होगा ओव्यूल के अंदर, याद कीजिए ओव्यूल जो है उस ओव्यूल के अंदर दो इंटरमेंट थे। ओव्यूल के अंदर कितने इंटरमेंट थे? टू इंटरमेंट थे। एंडर आउटर इज कॉल्ड एज आउटर इंटरमेंट एंड इंटरमेंट्स, ये दोनों को हम क्या कहते थे? इंटरमेंट्स। कहाँ थे इंटरमेंट्स? ओव्यूल के अंदर, ओव्यूल के अंदर इंटरमेंट्स थे। एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन दैट इंटरमेंट्स आर डेवलप इनटू सीडकोट। आउटर इंटरमेंट का कन्वर्शन टेस्टा में होता है और इनर इंटरमेंट का कन्वर्शन टेगमन में होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और दोनों लेयर प्रोटेक्शन करते हैं किसका? ओव्यूल का या सीड का। ओके, आउटर लेयर टेस्टा और इनर लेयर टेगमन कहते हैं। हाइलमेंटस कार ऑफ सीडकोट थ्रू व्हिच डेवलप सीड इज अटैच्ड। आपको पता होगा हर एक सीड के ऊपर एक स्कार रहता है। स्कार मतलब क्या है? ऐसा स्ट्रक्चर, उसको हम हाइलम बोलते हैं। और हाइलम क्या है आपको मैंने पढ़ाया था? फ्यूनिकल और बॉडी के अंदर का अटैचमेंट था, और
और हाइलम क्या है, एक स्कार है, स्कार मतलब रिमेनिंग पार्ट है सिर के ऊपर का, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइलम ऐसा बोलते हैं। ओके, तो ये हाइलम जो है रिटेन होता है सिर के ऊपर। ओके, स्कार ऑफ द सीड पॉड थ्रू व्हिच डेवलपिंग सीड इज अटैच्ड, आपको पता होगा ये हाइलम के द्वारा या स्कार के द्वारा क्या होता है, सीड का अटैचमेंट होता है कहाँ पे, फ्रूट के ऊपर। और ये भी आपको पता होगा इस हाइलम के अबव द हाइलम इज द स्मॉल पोर, इस हाइलम के ऊपर क्या है, ये क्या बताया मैंने आपको, ये हाइलम बताया, और हाइलम के ऊपर क्या था, स्मॉल ओपनिंग था, याद रखिए दैट स्मॉल ओपनिंग इज नथिंग बट, हाइलम के ऊपर जो स्मॉल ओपनिंग था दैट स्मॉल ओपनिंग इज नथिंग बट माइक्रोपाइल, याद कीजिए आपको बताया था मैंने फ्यूनिकल के ऊपर बॉडी, फ्यूनिकल और बॉडी के अंदर क्या था, हाइलम था, और हाइलम के बाजू में क्या था, माइक्रोपाइल था। तो ये हाइलम और ये क्या है, माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल ऑलरेडी मैंने माइक्रोपाइल का फंक्शन रिप्रोडक्शन प्लांट में बताया था। माइक्रोपाइल क्या करता है, लिटरली मीनिंग क्या है माइक्रोपाइल का, माइक्रो मीन स्मॉल, पाइल मीन्स होल, ये छोटा होल है जिसके द्वारा क्या होता है माइक्रोपाइल, देखिए दिस इज द माइक्रोपाइल, ये है माइक्रोपाइल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। माइक्रोपाइल हैज थ्री फंक्शंस, माइक्रोपाइल के तीन फंक्शन है। पहला फंक्शन क्या है, दे हेल्प इन द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के दौरान पोलन ट्यूब एंट्री करते हैं कहाँ से, माइक्रोपाइल से, पहला फंक्शन में। दूसरा फंक्शन क्या है, दे हेल्प इन द एंट्री ऑफ वाटर ड्यूरिंग सीड जनरेशन, सीड जनरेशन के टाइम में वाटर एंट्री करता है, दूसरा फंक्शन। और तीसरा जो फंक्शन है, माइक्रोपाइल द प्लेस थ्रू विच रेडिकल कम आउट, माइक्रोपाइल ऐसा प्लेस है कि जिसके द्वारा रेडिकल बाहर आता है, किसका, सीड के अंदर का जो रेडिकल है, रूट है, वो बाहर आता है। ये तीन फंक्शन है किसके, माइक्रोपाइल के। सो दिस इज अबाउट सीड पॉड। सेकंड पार्ट कौन सा है, सेकंड पार्ट मैंने बोला आपको एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में क्या क्या रहता है, ऑलरेडी मैंने बोला आपको एम्ब्रियो इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सीड एंड कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस। अभी जस्ट मैंने बोला था आपको डाइकॉट सीड में दो एम्ब्रियोनल एक्सिस है ना, डाइकॉट सीड में एम्ब्रियोनल एक्सिस कितने दो है, एक और दो, डाइकॉट सीड हैज टू एम्ब्रियोनल एक्सिस। ओके, एंड दे आर कॉल्ड द कॉटिलेडॉन्स, एंड कॉटिलेडॉन्स आर ऑफन फ्लूसी एंड फुली फुल ऑफ रिजोल्यूट मटेरियल, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डाइकॉट सीड में दो कॉटिलेडॉन्स है, एंड डाइकॉट सीड में कॉटिलेडॉन क्या करता है, फूड रिजर्व करता है, दैट मीन्स इन डाइकॉट सीड रिजर्व फूड मटेरियल इज अवेलेबल इन द कॉटिलेडॉन। आप बोलेंगे सर रिजर्व फूड मटेरियल क्यों रहता है, क्योंकि आपको पता होगा जब सीड का जर्मिनेशन होता है उस दौरान सीड में फोटोसिंथेसिस नहीं होता, तो तब सीड क्या करती है, ल्यूल्स को और रेडिकल को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए यहाँ का रिजर्व फूड मटेरियल यूटिलाइज करती है। एंड रिमेंबर दैट रिजर्व फूड मटेरियल इज यूज्ड बाय एनिमल फॉर कंजम्पशन, कॉटिलेडॉन के अंदर स्टोर हुआ हुआ फूड मटेरियल जो है एनिमल भी क्या करते हैं, खाने के लिए यूज करते हैं। सो रिजर्व मटेरियल जो है कॉटिलेडॉन के अंदर स्टोर होता है। ओके, एंड टू एंड्स ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस दैट इज ल्यूमिनल रेडिकल, मैंने आपको बताया था एम्ब्रियो के एक्सिस दो है, कौन से, एक बाजू में कौन है, प्रिम्यूल है जिसे शूट बनता है, और दूसरा रेडिकल है जिसे रूट बनता है। इसका मतलब एम्ब्रियो से क्या बनता है, शूट और रूट, कब, ड्यूरिंग जर्मिनेशन, जर्मिनेशन के दौरान जब सीड को फेवरेबल कंडीशन में रखा जाता है, वाटर ऑक्सीजन सप्लाई किया जाता है, तब इस प्रिम्यूल से क्या बनता है, शूट, और रेडिकल से क्या बनता है, रूट, एंड दैट प्रोसेस कॉल्ड एज सीड जर्मिनेशन। बस, और लास्ट तीसरा जो पार्ट मैंने आपको बताया सीड का, एंडोस्पर्म, जस्ट याद रखिए एंडोस्पर्म क्या है, एंडोस्पर्म इज अ फॉर्म आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन, आपको पता है एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन होता है, और जब डबल फर्टिलाइजेशन होता है तब आप बोलेंगे डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, तो वो आपको प्लांट किंगडम में प्लांट रिप्रोडक्शन में है, फिर भी आपको शॉर्टकट बताता हूँ। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब टू टाइम मेल गैमेट का और फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन होता है, उसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और याद रखिए एंडोस्पर्म फ्यूजन को क्या कहते हैं, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। एंडोस्पर्म फॉर्मेशन जब होता है तो डबल फर्टिलाइजेशन में
ट्रिपल फ्यूजन होता है। और कुछ सीड जो है, आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको, कुछ सीड जो है एक्सेप्शन है। कौन से सीड? फॉर एग्जाम्पल कैस्टर, कैस्टर, कैस्टर क्या है बेटा? एक्सेप्शन है। क्या है एक्सेप्शन? इसमें कैस्टर ऐसा सीड है कि जिसके अंदर क्या है, एंडोस्पर्म प्रेजेंट है। इसका मतलब कैस्टर क्या है, ये तो डायपॉट है और एंडोस्पर्मिक है, एक्सेप्शन है ना। नॉर्मली क्या होता है सीड में, जो डायपॉट सीड होते हैं ना वो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, मगर कैस्टर क्या है, एक्सेप्शन है, अपवाद है। उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, एंडोस्पर्मिक फॉर्म होता है और वो डायपॉट पे है, वो है कैस्टर। इट इज अ फूड स्टोर टिश्यू, एंडोस्पर्म फूड स्टोर करता है। किसमें? कैस्टर प्लांट के सीड में एंडोस्पर्म के अंदर फूड स्टोर होता है। और दूसरे कुछ प्लांट के एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको, बीन है, ग्राम है, पी है, इसमें क्या होता है, एंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट इन द मैच्योर सीड। बीन, ग्राम, पी, इसमें क्या होता है, एंडोस्पर्म मैच्योर सीड में नहीं रहता, इसीलिए उस सीड को कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। कैस्टर के अंदर एंडोस्पर्म है और बीन में, ग्राम में, पी में एंडोस्पर्म नहीं है। तो याद रखिए, दिस इज अबाउट डायकोटिलेडोन सीड के बारे में इंफॉर्मेशन मैंने दिया, ठीक है। अभी चलिए इधर देखते हैं, डायग्राम तो दिया मैंने आपको डायकोटिलेडोन सीड की, अभी मोनोकोटिलेडोन सीड क्या है। मोनोकोटिलेडोन सीड के अंदर क्या है, सिंगल कोटिलेडोन रहता है ना, एंड रिमेंबर दैट सिंगल कोटिलेडोन इन द मोनोकोट सीड इज कॉल्ड एज स्कूटेलम। सिल्ड शेप्ड कोटिलेडोन इज प्रेजेंट इन द मोनोकोट सीड इज कॉल्ड एज स्कूटेलम कहते हैं। इन दिस सीड द सीरियल्स सच एज मेज, मेज बोलता है मेज, मक्का, मेज में क्या होता है, मोनोकोट सीड रहता है, ओके। इसका एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं, डाइकोट सीड का एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं पी, और इसका एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं मेज। एग्जांपल याद रखना बहुत जरूरी है, ओके। इसका मैं एग्जांपल मेज है, तो मेज में क्या होता है, जनरली फ्रूट जो फ्रूट वॉल, याद रखिए इस सीड में सीड कोट मतलब फ्रूट की वॉल है, और जो फ्रूट की वॉल है वो बहुत ही थिन रहती है, द वॉल ऑफ द फ्रूट इज वेरी थिन, और वो फ्यूज होती है किसको, सीड के साथ, क्लिंग कवरिंग प्रेजेंट टू स्ट्रक्चर। और यहाँ पे भी मोनोपार्ट सीड में भी क्या है, सीड के अंदर दो पार्ट रहते हैं, सीड कोट तो है, सीड कोट तो है, एम्ब्रियो भी है और एंडोस्पर्म भी है ना। इसमें मोनोकॉट में भी सीड के अंदर तीन पार्ट है, एंडोस्पर्म जो है यहाँ पे एंडोस्पर्म जो है वो कैसा है, एंडोस्पर्म जो है यहाँ पे कैसा है, बल्की है, बल्की का मतलब सोलन है, जिसके अंदर फूड मटेरियल स्टोर होता है ना। मोनोकॉट सीड में एंडोस्पर्म बल्की है, क्यों बल्की है, क्योंकि उसके अंदर फूड स्टोर होता है। एंड इन मोनोकॉटिलेडोन सीड एंडोस्पर्मिक बट सम ऑर्किड्स, अब इसमें भी कुछ एग्जाम्पल है, एक्सेप्शन है, कौन सा एक्सेप्शन है, ऑर्किड्स। इसमें एक्सेप्शन क्या बोला मैंने आपको, कैस्टर, क्या बोला एक्सेप्शन कैस्टर में, कैस्टर क्या है, ऐसा सीड है जो डायपॉट है फिर भी एंडोस्पर्म है, वैसे ऑर्किड जो है, ऑर्किड्स एक्सेप्शन है, ऑर्किड जो है एक्सेप्शन है, क्या एक्सेप्शन है, यह है मोनोकॉट, मगर इसके अंदर एंडोस्पर्म नहीं रहता। ऑर्किड में क्या रहता है, मोनोकॉट है मगर एंडोस्पर्म एब्सेंट है, इसमें ऑर्किड्स में आर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। इसीलिए मैं याद रखिए, कैस्टर को क्या बोले थे हमने, कैस्टर को क्या बोला था हमने, एंडोस्पर्मिक सीड का था, और ऑर्किड को क्या कहते हैं, ऑर्किड इज कॉल्ड एज नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। ये दो एग्जांपल एक्सेप्शन है, एग्जाम में पूछते हैं इधर कैस्टर और उधर ऑर्किड्स, ये दो एग्जांपल एक्सेप्शन है जिसमें थोड़ा अलग हटके मैकेनिज्म होता है, ओके। और ये आउटर कवरिंग जो एंडोस्पर्म की क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं एम्ब्रियो को, ये प्रोटीनेसियस लेयर रहता है और उसको अल्नर लेयर कहते हैं। देखिए एंडोस्पर्म का बाहर का लेयर जो एम्ब्रियो को अलग करता है, और उस लेयर को क्या कहते हैं, एलुरल लेयर कहते हैं। दिस इज द एलुरल लेयर, दिया है मैंने नाम यहाँ पे एलुरल लेयर, बट एलुरल लेयर प्रोटीन से बना हुआ लेयर है जो एंडोस्पर्म को और एम्ब्रियो को अलग करता है। और याद रखिए एलुरल नाम का प्रोटीन रहता है, इसलिए वो प्रोटीन को क्या कहते हैं, एल्बुमिनस सीड। सो
this endospermic seed is also called as albuminous seed and this seed is called as non albuminous seed. इसको क्या कहते हैं? नॉन albuminous. इसको क्या कहते हैं? albuminous. ये दो तरीके के seed है. ओके, उसके अलग अलग नाम दिए हैं. ओके, एंड टॉटिपोडोमा सीड ने नोन ओके एम्ब्रियोनिक फॉर्म सिचुएटेड ग्रुप ऑफ द एंडोस्पर्म. द एम्ब्रियो इज स्मॉल सिचुएटेड इन द ग्रू. यहाँ पे देखिए जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो छोटा है और एम्ब्रियो ग्रू में रहता है. ग्रू मतलब डिप्रेशन में रहता है, छोटा रहता है एम्ब्रियो. ओके, एंड एंडोस्पर्म के एंड कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज सील शेप्ड कॉटिलेडॉन्स. यहाँ पे एक ही कॉटिलेडॉन रहता है एंड रिमेंबर कॉटिलेडॉन इज कॉल्ड एज स्कूटेलम. यह है एक ही कॉटिलेडॉन एंड दैट ये जो कॉटिलेडॉन है उसको क्या बोलते हैं? स्कूटेलम बोलते हैं. सिंगल कॉटिलेडॉन है एंड दैट सिंगल कॉटिलेडॉन इज कॉल्ड एज स्कूटेलम. ओके, सिंगल कॉटिलेडॉन हियर इज कॉल्ड एज स्कूटेलम और इट इज सील्ड शेप्ड. ढाल जैसा रहता है उसको कहते हैं सील्ड शेप्ड कॉटिलेडॉन इज कॉल्ड एज स्कूटेलम. ओके, शॉर्ट एक्सिस जो है वहां पे प्रीमियम रेडिकल है. शॉर्ट एक्सिस जो है सिंगल एक्सिस उसको प्रीमियम रेडिकल बोलते हैं. आपको पता है प्रीमियम से शूट बनता है, रेडिकल से शूट बनता है और प्रीमियम का जो कवर है उसको बोलते हैं पॉलियोप्टाइल और रेडिकल का जो कवर है उसको बोलते हैं पॉलियोराइसा. आपको बताया था मैंने आफ्टर जर्मिनेशन, जर्मिनेशन होने के बाद प्रीमियम का शूट बनता है, रेडिकल का रूट बनता है, पॉलियोप्टाइल का शूट कैप बनता है और रेडिकल का रूट कैप बनता है. ये हो गया आफ्टर जर्मिनेशन प्लांट पार्ट डेवलप होते हैं. और लास्ट टाइप ऑफ सीड मैं आपको बता रहा हूँ जो कि आपके एनसीईआरटी की बुक में नहीं है मगर फिर भी आपको बता रहा हूँ मैं. दैट इज कॉल्ड एज पेरिस्पर्मिक सीड. तीसरा टाइप कौन सा है? पेरिस्पर्मिक सीड. बहुत इंपॉर्टेंट है ये. पेरिस्पर्मिक सीड का मतलब क्या है? जिसमें क्या होता है आपको पता होगा ओव्यूल के अंदर, याद रखिए ओव्यूल के अंदर ये देखिए क्या रहता है, ये न्यूसिलस रहता है. ओव्यूल के अंदर क्या रहता है? न्यूसिलस रहता है. एंड न्यूसिलस कौन है? न्यूट्रिटिव टिश्यू है. वो न्यूट्रिटिव टिश्यू जो है उसका कन्वर्जन किस में होता है? न्यूसिलस का कन्वर्जन किस में होता है? पेरिस्पर्म में होता है ना. कुछ प्लांट में न्यूसिलस का कन्वर्जन पेरिस्पर्म में होता है और वो पेरिस्पर्म जो है परसिस्ट होता है, रिमेन होता है, रिटेन होता है. कहाँ पे? सीड के अंदर. ओके, मोस्टली न्यूसिलस कंज्यूम आफ्टर फर्टिलाइजेशन अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. मोस्टली क्या होता है? न्यूसिलस का कंजम्पशन होता है अब्जॉर्प्शन करने के बाद डिस्ट्रॉय हो जाता है न्यूसिलस. मगर कुछ प्लांट जो है जिसमें एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो जो है ओके उसके अलावा न्यूसिलस रिमेन परसिस्टेंट. न्यूसिलस जो है वो परसिस्टेंट रहता है, एजिटेड रहता है, डिस्ट्रॉय नहीं होता. ओके, एंड दैट इज कॉल्ड अ पेरिस्पर्म. और उसका पेरिस्पर्म होता है सच अ सीड्स इन व्हिच न्यूसिलस इज कन्वर्टेड टू पेरिस्पर्म इन द सीड कॉल्ड एज पेरिस्पर्मिक सीड कहते हैं. और याद रखिए इसका एग्जांपल है पाइपर. पेरिस्पर्मिक सीड का एग्जांपल आपको बता रहा हूं मैं, पाइपर नाइग्रम. उसको हम ब्लैक पीपल कहते हैं, काले पीपल बोलते हैं उसको, ब्लैक पीपल बोलते हैं. तो इस तरीके से ये पॉइंट फिनिश हुआ है. कौन सा सीड आपका फिनिश हुआ है? रूट के बाद, फ्रूट के बाद हमने, फ्रूट के बाद हमने क्या कंप्लीट किया है? सीड. उसके बाद चैप्टर का नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट हम डिस्कस करने वाले चैप्टर का. ओके, सम फैमिलीज, कुछ फैमिलीज के बारे में हम डिस्कस करते हैं. ओके, ये जो ग्रुप है इसका प्लांट का, व्हाट इज फैमिली? व्हाट इज फैमिली? फैमिली इज द ग्रुप ऑफ प्लांट्स विच शोइंग डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स. फैमिली क्या है? ऐसा प्लांट का ग्रुप है जो डिस्टिंक्ट फीचर दिखाता है उसको हम बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स रिलेटेड टू फैमिलीज. टेक्निकल टर्म्स रिलेटेड टू फैमिलीज. ओके, सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन. सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन. सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन. सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन है किसका? फ्लावरिंग प्लांट का. ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स.
फ्लावरिंग प्लांट का ये डिस्क्रिप्शन है ओके। और ये डिस्क्रिप्शन में हम देखते हैं क्या कुछ फैमिलीज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एक्चुअली मैं आपको बता दूं ये फैमिली जो है ये चैप्टर का समरी है। अभी तक जो हमने स्टडी किया है रूट स्टेम लीफ इंफ्लोरेसेंस फ्लावर फ्रूट्स सीड ये सभी का अभी यहाँ पे समरी है, मतलब सभी का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे कहाँ पे ये फैमिली के अंदर ओके। तो हम फैमिली के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके कुछ सिंबल्स और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे फैमिलीज के ओके। तो क्या है फैमिली, देखिए डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फैमिली आर डायग्नोस्टिक फीचर व्हिच एनेबल अस टू डिफरेंशिएट देम। देखिए हर एक फैमिली में क्या है कुछ डायग्नोस्टिक कैरेक्टर, मतलब अलग अलग कैरेक्टर है ना, और उस अलग अलग कैरेक्टर की वजह से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं ओके। डायग्नोस्टिक फीचर है जिसकी वजह से हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं। एंटी डायग्नोस्टिक फीचर्स आर मेनली बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर्स। वो जो फैमिली है उस सबके क्या कहते हैं हम लोग, उसके हम क्या क्या स्टडी करते हैं, वेजिटेटिव कैरेक्टर, मतलब हर एक प्लांट का रूट कैसा है स्टेम कैसा है लीफ कैसे है उसको कहते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर। उसके बाद फ्लोरल कैरेक्टर मतलब फ्लावर में कैलस कैसा है, करोला कैसा है, एंड्रोशियम कैसा है, गायनोशियम कैसा है, उसको बोलते हैं फ्लोरल कैरेक्टर्स ओके। सेक्सुअली फ्लावर सिमेट्री ऑफ फ्लावर कैसी है, फ्लावर की सिमेट्री कैसी है ओके। मतलब एक्टोमर फ्लावर है या ट्रैगोमर फ्लावर है ये सीक्वेंस से हम लेते हैं ना ओके। सिमेट्री ऑफ द फ्लावर देखते हैं ओके। उसके बाद पोजीशन ऑफ ओवरी, ओवरी का पोजीशन आपको बताया था मैंने, पढ़ाया था पोजीशन ऑफ ओवरी, ओवरी सुपीरियर है या इंफीरियर है वो हम बताते हैं यहाँ पे, उसको हम पोजीशन ऑफ ओवरी कहते हैं ओके। पोजीशन ऑफ ओवरी है। उसके बाद फ्लोरल होल्स के रिलेटेड ब्रैक्ट है या नहीं है, ब्रैक्ट ओके। फ्लोरल होल्स से रिलेटेड ब्रैक्ट है या नहीं है, ब्रैक्ट वगैरह। ब्रैक्ट क्या है, फ्लावर के बेस को, फ्लावर जो है उस फ्लावर के बेस को, ये जो बेस है फ्लावर का उस फ्लावर के बेस को ग्रीन हेयर स्ट्रक्चर रहता है उसको हम क्या कहते हैं, ब्रैक्ट कहते हैं। और जिस फ्लावर में ब्रैक्ट रहता है उसको हम बोलते हैं ब्रैक्टेड फ्लावर्स। जिस फ्लावर के अंदर ब्रैक्ट है ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। और इस फ्लावर के अंदर अगर ब्रैक्ट है, व्हाट इज ब्रैक्ट, ग्रीन हेयरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ पेडिसिल कॉल्ड अ ब्रैक्ट। ग्रीन हेयरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ पेडिसिल कॉल्ड अ ब्रैक्ट। और अगर ब्रैक्ट है तो क्या कहेंगे, ब्रैक्टेड फ्लावर कहेंगे। ब्रैक्ट नहीं है तो क्या कहेंगे, ई ब्रैक्टेड फ्लावर कहेंगे ओके। ब्रैक्ट है या नहीं है, फ्लोरल होल्स जो है कौन से, कैलस करोला एंड्रोशियम गायनोशियम। For systematic study of the quick comprehension of diagnostic feature of the family, हर एक फैमिली का इंफॉर्मेशन स्टडी करने के लिए, उसका डायग्नोस्टिक कैरेक्टर मतलब याद रखने के लिए, पूरी इंफॉर्मेशन याद रखने के लिए हम क्या करते हैं, उस फैमिली के फीचर देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, उसको सिम्बोलाइज करते हैं फॉर्म ऑफ फ्लोरल फार्मूला। तो याद रखने के लिए हमको ये दो चीज़ें करना पड़ेगा, एक फ्लोरल डायग्राम, हर एक फैमिली का क्या स्टडी करना पड़ेगा, फ्लोरल डायग्राम, एंड सेकंड इज फ्लोरल फार्मूला। हर एक फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक याद रखने के लिए हमको दो चीजें यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी, एक फ्लोरल डायग्राम मतलब फ्लावर की डायग्राम कैसे है, कैसे उसके अरेंजमेंट होते हैं फ्लावर के पार्ट्स, उसको फ्लोरल डायग्राम कहते हैं। और सेकंड जो है फ्लोरल फार्मूला, मतलब सिंबल जो है वहाँ पे यूज करते हैं हम लोग, शॉर्टकट सिंबल यूज करके हर एक पार्ट का स्टडी करते हैं यहाँ पे, उसको बोलते हैं हम लोग दैट इज फ्लोरल फार्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम। ये दोनों चीज़ें हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं ओके। सिंबलाइज इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरल फार्मूला देन फ्लोरल डायग्राम शोइंग इन द फिगर ओके। फ्लोरल डायग्राम हम स्टडी करेंगे यहाँ पे, हर एक पार्ट का सिक्वेंस यहाँ पे याद रखना है आपको ओके। सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट प्लेसेंटेशन, उसके बाद प्लेसेंटेशन कैसा हो गया रखेंगे, पोजीशन ऑफ मदर एक्सिस क्या है, एस्टिवेशन कैसा है, फ्लोरल फार्मूला क्या है, फ्लोरल डायग्राम कैसे है, वो पूरा हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ये पूरा स्टडी करने के पहले हम कुछ फैमिली के सिंबल स्टडी करते हैं, क्योंकि आपको पता है अगर आपको फार्मूला लिखना है
फार्मूला लिखना है तो आपको सिंबल याद करना बहुत जरूरी है। तो क्या है सिंबल, क्यों जरूरी है सिंबल, जैसे कि आपको मैं सिंपली बता दूं, ओके ग्लूकोज का फार्मूला क्या है, C6H12O6। तो हम ऐसा तो नहीं कहते कार्बन 6 हाइड्रोजन 12 ओके ऑक्सीजन 6, ऐसा तो नहीं लिखते इसको, इसको शॉर्टकट में लिखते हैं ना हम लोग, कैसे, C6 का मतलब कार्बन, C मतलब कार्बन, H मतलब हाइड्रोजन, O मतलब ऑक्सीजन, तो ये क्या हो गया, इसका सिंबल हो गया। केमिकल फार्मूला लिखने के लिए हमने केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल एटम का क्या यूज किया, सिंबल यूज किया, उसी तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे बायोलॉजी में फ्लोरल फार्मूला स्टडी करने के लिए कुछ सिंबल स्टडी करेंगे, और वो जो सिंबल्स है वो आपको याद रहना बहुत जरूरी है। तो क्या है सिंबल, कौन से सिंबल है, तो वो सिंबल हमारे लिए क्या क्यों जरूरी है सिंबल्स, ओके तो उसको हम स्टडी करते हैं पहले, ओके क्या सिंबल्स टू स्टडी द फैमिलीज, कौन कौन से सिंबल्स इंपॉर्टेंट है फैमिली के स्टडी के लिए वो हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, बहुत ही जरूरी है वो सिंबल्स, ओके व्हिच आर द सिंबल्स, सम सिंबल्स वी आर डिस्कस हियर, ओके पहला सिंबल कौन सा है, फर्स्ट सिंबल कौन सा है, ब्रैकेट, दूसरा ई ब्रैकेट, आप बोलेंगे से ब्रैकेट मतलब क्या है, फ्लावर का जो बेस है, फ्लावर का बेस वहां पे ग्रीन हेयर स्ट्रक्चर रहता है पेडिसिल के बेस, उसको कहते हैं ब्रैक्ट, और ब्रैक रहा तो कहेंगे ब्रैकेट फ्लावर्स, ब्रैक नहीं रहा तो कहेंगे ई ब्रैकेट फ्लावर, दो सिंबल सुन गए। तीसरा सिंबल जो है थर्ड सिंबल, दैट इज ये सर्कल करके हम प्लस कहते हैं अंदर, उसको कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स, क्या कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स, आपको पता है ओके ये क्या है, ये बी आर मतलब ब्रैकेट था, ई बी आर मतलब ई ब्रैकेट था, ओके एक्टिनोमॉर्फिक क्या है ये भी पता होगा आपको, दिस इज कॉल्ड एज रेडियल सिमेट्री, जिस फ्लावर में सिमेट्री रेडियल रहते हैं उसको हम बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर बोलते हैं, और इसका सिंबल ये है सिंबल किसका, जायगोमॉर्फिक, जायगोमॉर्फिक का सिंबल है, आपको पता है जायगोमॉर्फिक का मतलब बायलैटरल सिमेट्री, एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब रेडियल सिमेट्री, जायगोमॉर्फिक का मतलब बायलैटरल सिमेट्री, ये सिमेट्री है, आपको पता है सिमेट्री मतलब क्या है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल पार्ट्स इन रिलेशन टू सेंट्रल एक्सिस, ओके उसके बाद सिमेट्री के बाद ये क्या है, दिस इज व्हाट मेल, ये किसका सिंबल है मेल का, ये किसका सिंबल है फीमेल का, ओके मेल फीमेल ये क्या है, मेल फीमेल दोनों है, इसका मतलब इसको क्या कहेंगे, बायसेक्सुअल, जिस फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों रहते हैं उसको क्या कहते हैं, बायसेक्सुअल कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट कहते हैं, परफेक्ट फ्लावर कहते हैं, क्या कहते हैं, परफेक्ट फ्लावर, बायसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं, ओके बाद में कैलिक्स को क्या लिखते हैं, कैलिक्स, कैलिक्स मतलब क्या है, ग्रीन कलर का पार्ट जिसमें सेपल रहते हैं ना, कैलिक्स में क्या रहते हैं, सेपल्स, जिसको टियर लिखते हैं, करोला मतलब कलरफुल है पेटल्स, करोला क्या है कलरफुल है उसको क्या कहेंगे, पेटल्स, आपको बताया था मैंने अगर कुछ सिंबल हम ब्रैकेट पे डालते हैं, समझो ये कैलिस है और कैलिस के अंदर सपोज कैलिस है और कैलिस में मैंने आपको आगे पांच दिया है, पांच नंबर दिया ना, इसका मतलब ये पांच क्या है, सेपल है ना, कैलिस के अंदर पांच सेपल है और इसी पांच को मैंने क्या किया ब्रैकेट में डाल दिया, इसका मतलब सेपल फ्यूज है, और आपको बताया था मैंने जब सेपल फ्यूज रहते उसको बोलते गैमोसेपल, याद आ रहा है, सिंबल को जो फिगर दी जाती है वो फिगर आप ओपन रखते हो तो वो फ्री है और उस फिगर को आप ब्रैकेट में डालते हो दैट इज कॉल्ड एज फ्यूज्ड, वो फ्यूज्ड है और उसी को बोलते हैं हम लोग कोहेशन, जब फिगर क्लोज रहती है उस क्लोज फिगर को क्या बोलते हैं कोहेशन बोलते हैं, और यहाँ पे भी ये कोहेशन का सिंबल है, एक एग्जांपल बताया मैंने जस्ट, ओके ये है कैलिस का सिंबल, ये करोला का सिंबल, ये कैलिस हो गया ये करोला हो गया, उसके बाद आपको पता है कुछ फ्लावर में क्या होता है ना कैलिस ना करोला दोनों का फ्यूजन होके क्या बनता है, कैलिस और करोला दोनों का फ्यूजन होके क्या बनता है नॉट डिस्टिंक्ट, कैलिस एंड करोला इज नॉट डिस्टिंक्ट, व्हाट इज पेरियन, उसको पेरियन बोलते हैं, क्या बोलते हैं पेरियन, सिंबल है पेरियन का, उसके बाद पेरियन के बाद क्या है
ओके मेल रिपोर्टिव ऑर्गन जो है फ्लावर का, फ्लावर का मेल रिपोर्टिव ऑर्गन जो है उसको क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम बोलते हैं ई। उसके बाद फीमेल रिपोर्टिव ऑर्गन जो है उसको क्या बोलते हैं, गाइनोसियम बोलते हैं। और गाइनोसियम भी आपको याद रखना पड़ेगा, गाइनोसियम में अगर जी के नीचे लाइन रही तो क्या कहेंगे, सुपीरियर ओवरी। सुपीरियर ओवरी इसका मतलब गाइनोसियम के नीचे अगर अंडरलाइन रही तो क्या कहेंगे, सुपीरियर ओवरी, मतलब गाइनोसियम ऊपर है ओके, उसको सुपीरियर ओवरी कहते हैं। जिस ओवरी में बाकी के पार्ट नीचे है और गाइनोसियम ऊपर है तो उसको सुपीरियर ओवरी कहते हैं। और उसको उल्टा अगर गाइनोसियम के ऊपर रही लाइन तो उसको क्या कहेंगे, इंफीरियर ओवरी कहते हैं, इंफीरियर ओवरी कहते हैं ओके। ऊपर लाइन रहे तो गाइनोसियम के। और मैं अभी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ, दैट इज अगर ये सी है और ये ए है और दोनों के ऊपर लाइन है, सी मतलब क्या है, करोला है, पेटल है, ये मतलब क्या है, एंड्रोशियम है, स्टेमन है। अगर ये दोनों का अटैचमेंट होता है किसका किसका, करोला का और एंड्रोशियम का, दोनों का अटैचमेंट होता है, एक दूसरे के साथ चिपकते हैं ओके, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, इपिपेटलस। इसको क्या बोलते हैं, इपिपेटलस। इपी मतलब अबाउ, पेटलस मतलब पेटल्स, इसका मतलब यहाँ पे स्टेमन जो है पेटल के ऊपर अटैच होते हैं, इसीलिए उसको कहते हैं इपिपेटलस। और याद रखिए जब दोनों सिंबल, दोनों फोरल्स एक दूसरे को अटैच होते हैं, वो दोनों को जोड़ने के लिए जब हम लाइन इंडिकेट करते हैं, दैट लाइन इज नथिंग बट, दैट लाइन इज नथिंग बट एडहेशन। इस लाइन को क्या बोलते हैं, दैट लाइन इज कॉल्ड एज एडहेशन। और जो सिंबल को क्लोज करते हैं दैट इज कॉल्ड कोहेशन। ऐसा अगर सिंबल क्लोज किया गया तो उसको क्या बोलेंगे, ब्रैकेट में डाला गया सिंबल को क्या बोलेंगे, कोहेशन। और दोनों सिंबल को अगर ज्वाइन किया गया, दोनों फिगर को ज्वाइन किया गया तो क्या बोलेंगे, एडहेशन कहेंगे। और लास्ट जो है ये है क्या, पी मतलब पेरियंथ। पी मतलब क्या है, पेरियंथ है ये, पी मतलब पेरियंथ है। और ये पेरियंथ के साथ और अटैच हो गया कौन, स्टेमन या एंड्रोशियम, तो ये पेरियंथ का और एंड्रोशियम का दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इपिफाइलस। इपी मतलब अबाउ, फाइलस मतलब पेरियंथ। When the stamen is attached on the perianth, it's called as epiphyllus. आपको examples से बताया था मैंने, epipetalus का example बताया था brinjal, और epiphyllus का example बताया था lily. याद कीजिए, flower के study के time में बताया था, ये है epipetalus, मतलब इसका example brinjal है, जहाँ पे stamen petal के ऊपर attached होते हैं, और ये है epiphyllus, जहाँ पे stamen perianth के ऊपर attached होते हैं, और epiphyllus also called as epiphyllus lily में होता है, और उसी को बोलते हैं epitepalus। epitepalus बोलते हैं किसको, epiphyllus को। तो ये हो गया सिंबल के बारे में। तो अगले वाला जो पार्ट है, इसके आगे का पार्ट, तीन फैमिली है आपकी सिलेबस को, फैबेसी, सोलेनेसी और लिलेसी, ये तीन फैमिली का एक्सप्लेनेशन मैं आपको नेक्स्ट पीरियड में दे दूंगा ओके। अभी हमने जो आज जो हमने स्टडी किया सीड मतलब क्या है, सीड के दो टाइप, मोनोकॉटिलेडॉन्स, डाइकॉटिलेडॉन्स का स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, उसके डिफरेंस आपको बताया था मैंने ओके। और उसी के साथ आज मैंने जो आपको पॉइंट बताया है, सम टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, उसकी फैमिली स्टडी की है, और फैमिली के सिम्बॉल्स मैंने आपको दिए है कि सिम्बॉल आपको याद रखना बहुत जरूरी है, विदाउट सिम्बॉल यू आर अनेबल टू रिमेंबर द फार्मूला। फार्मूला याद रखना बहुत जरूरी है, और उसके लिए सिम्बॉल आपको याद रखना जरूरी है, पूरे सिम्बॉल याद कीजिए। कल मैं आपको तीन फैमिली स्टडी करवाऊंगा ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू। Descriptions of plants are very useful in the study of floral morphology and help taxonomists in the easy identification and classification of plants. The technical description of a flowering plant must be expressed in scientific language and must be simple, brief, and sequential. The description starts with the vegetative characters of the plant, such as the type of roots, stem and leaves. This is followed by a description of its floral characters and flowering parts, such as sepals,
petals, stamens, and carpels. The description of vegetative and floral characters is followed by a floral formula and floral diagram, which represent the floral description in condensed form. The floral formula is represented by a set of symbols and provides information about a flower, such as its symmetry, sex, calyx, corolla, perianth, andrecium, gynoecium, bracts, bracteoles, staminodes, pistillodes, and the number of sepals, petals, stamens, and carpels. The formula also explains cohesion and adhesion within parts of whorls and in between the whorls with the help of symbols. Some of the symbols used to represent the different parts of a flower and the relationships between these parts are as shown. Let's understand the symbols in the floral formula of a mustard flower. The mustard flower is actinomorphic and bisexual. The calyx has four sepals arranged in two rows, and the corolla has four petals. There are six stamens arranged in two rows, and the gynoecium is bicarpillary and syncarpous with a superior ovary. The floral formula of a flower is usually accompanied by its floral diagram. The floral diagram is a graphical representation of the cross-section of a flower and provides information about the different parts of a flower, their arrangement, and the relationships between these parts. The outermost whorl in the floral diagram is the calyx, followed by the corolla, andrecium, and gynoecium. The floral diagram presents information about a flower, such as its sex, symmetry, bracts, bracteoles, the number of floral whorls, the calyx, corolla, andrecium, and gynoecium. इस डायग्राम में देख सकते हो आप, यह है मदर एक्सिस, यह है आउटरमोस्ट व्हॉर्ल ऑफ द फ्लावर कॉल्ड कैलिक्स, यह है अंदर का करोला, ये जो बटरफ्लाई से देख रहा है आपको दैट इज एंड्रोशियम, और इनर मोस्ट व्हॉर्ल जो है गायनोशियम, यहाँ पे ओहरी जो है वो बायकार्पलरी सिंकार्पस है, ओके, और ये अरेंजमेंट जो है इसको हम सिमेट्री बोलते हैं, ओके, या फिर इसको एस्टिवेशन बोलते हैं, सेपल का और पेटल्स का जो अरेंजमेंट है उसको हम एस्टिवेशन बोलते हैं। तो ये फ्लोरल डायग्राम में आपको, मतलब फ्लोरल डायग्राम से आप फ्लोरल फार्मूला निकाल सकते हो। फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए? डिस्क्रिप्शन के लिए। लाइक इन द फ्लोरल फार्मूला वेरियस सिंबल्स आर यूज्ड व्हाइल ड्राइंग अ फ्लोरल डायग्राम एज शोन। थस द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट प्रोवाइड्स वाइटल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लांट। The description begins with the vegetative and floral characteristics and is followed by the floral formula and the floral diagram. Thank you all of you and following this video and watching this video. Okay, I think this video will help you to for getting best knowledge in the morphology of plants and knowledge about the different technical terms related to the families. Thank you. Have a good day.